नमस्कार, आप देख रहे हैं आज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। पंचायत समिति पदमपुर में वी सी भवन में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी जनसुनवाई कार्यक्रम को लेकर पदमपुर दौरे पर पहुंचे। पदमपुर पहुंचने पर जिला कलेक्टर ने पहले उपखंड कार्यालय व तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। तुरंत बाद पंचायत समिति पदमपुर के वी सी भवन में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली गई। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता से अंतिम छोर पर रहने वाले पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने व लंबित प्रकरणों को तुरंत प्रभाव से निस्तारण करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मीडिया कर्मियों ने जिला कलेक्टर को पदमपुर कस्बे की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने जांच कर समस्याओं का समाधान करवाने के निर्देश दिए। मौके पर उपखंड अधिकारी पवन कुमार, तहसीलदार महेंद्र सिंह रत्नू, अधिशाषी अधिकारी शैलेंद्र गोदारा, बी सी एम ओ मुकेश मित्तल, विकास अधिकारी अरविंद सहारन, जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता भंवर लाल, अन्य विभागों के कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित रहे। डीएल सारस्वत ब्यूरो श्री गंगानगर की खास रिपोर्ट। मुख्य आज ब्लॉक अधिकारियों के जो मुख्य योजना है उनसे संबंधित मीटिंग ली गई थी जी सर। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोग्रेस है, बढ़िया प्रोग्रेस है। कुछ चीज़ों में जहाँ पे कमी है, चाहे वो नरेगा के अंदर जो थोड़ी बहुत कमी है इंडिविजुअल वर्क्स के अंदर लेके हैं, या फिर स्कूलों के अंदर या आंगनबाड़ी के अंदर, या फिर बाकी जल जीवन मिशन की प्रोग्रेस में, और उन सब के बारे में बात की गई। और उन सब में जो निर्देश हैं वो दिए गए कि जल्द से जल्द जो है उनमें प्रोग्रेस लाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर काम और अच्छे से करवाया जाए। सर, एक निवेदन था कि जो राजकीय चिकित्सालय है वहाँ पे अक्सर मरीज को रेफर घर कर दिया जाता है। किसी के सिर में दर्द होता है तो गंगानगर डॉक्टर रेफर कर देते हैं, और डॉक्टर अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, इसलिए लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपके द्वारा अगर ये बात बताई गई है, यहाँ पे इस तरह से जो हमारे पैरामीटर देखे गए, चाहे वो MNDY के MNJY में हैं, उसके अंदर पदमपुर के जो पैरामीटर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, किंतु अगर कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर डॉक्टर की शिकायत है तो हमारे पास आती है तो उस पर कार्रवाई की। सर, दूसरा नंबर जलदाय विभाग है, उसकी हालत काफ़ी दयनीय है। वहाँ पे सर सफाई कोई कुछ भी नहीं है, और दूषित पानी जो है वो सप्लाई अक्सर होता है, तो उपभोक्ताओं की ज़्यादातर शिकायत यही रहती है कि वहाँ पे जलदाय विभाग में कोई सफाई वगैरह वगैरह नहीं होती प्रॉपर तरीके से। नहीं, अगर ऐसी कोई बात है तो उसके जो है निर्देश वो दे दिए जाएंगे, है ना, उसमें करवा दिए जाएंगे। हालांकि जो मैंने देखा है उसके अंदर तो ऐसी कोई समस्या अभी तक तो मेरे समक्ष ना तो गंगानगर में आई है ना ही यहाँ पे आई है। आप बता रहे हैं तो उसके ऊपर ध्यान दें। बिल्कुल सर, हम तो ये कहते हैं सर आप एक औचक निरीक्षण किसी अधिकारियों का करवाएं, आपको स्थिति क्लियर हो। दूसरा नंबर सर, उस चीज़ के निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ पे जितने भी हमारी SSF हैं, जितने भी RDF बन रही हैं, जितने भी OHS आ रहे हैं, SLR हैं, उनके कब सफाई हुई, आखिरी डेट उनकी सफाई की क्या है, SSF आपके कितने चल रहे हैं, जो स्लो सैंड फिल्टर जिसे कहते हैं, ठीक है, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर RGF जो है, उन सब की जो सफाई की क्या पुरानी डेट्स क्या हैं, उनकी लिस्टिंग कराने के लिए STM साहब को बोल दिया गया है। साथ ही जो है 70 योजनाएँ जो इनकी चल रही हैं जो जलदाय विभाग की, उनके अंदर जो है अतिरिक्त निरीक्षण किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, चाहे वो रेवेन्यू एजेंसी हो, चाहे वो और ग्राम पंचायत की एजेंसी हो, उसके थ्रू कराने के लिए बोला गया है, जिसमें ये पर्टिकुलर ये 3-4 चीज़ें कर दी जाएंगी, ताकि अगर कहीं पर अगर ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट पानी पिलाया जा रहा है और सफाई नहीं हो रही, तो उसमें फिर उसमें कार्रवाई की जाएगी। पर एक बार निवेदन था कि नगर पालिका रोड में जो है अधिकतर ट्रैफिक व्यवस्था जो बिगड़ी रहती है, बार बार जिला पुलिस अधीक्षक को भी कहा है, यहाँ पुलिस थाने में मीटिंग होती है वहाँ पे भी ये आवाज़ उठाएगी, लेकिन समस्या यूँ की त्यों पड़ी है, इतना खुला बाजार और वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था सर अक्सर बिगड़ी रहती है, जिसके कारण 108 को हॉस्पिटल में जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने STM साहब को, आप अगर ऐसी चीज़ बता रहे हैं तो STM साहब को निर्देशित कर देते हैं। आप जो है इनके अंदर, वैसे भी मेरे सामने अभी तक कोई ये मैटर नहीं आया, आप बता रहे हैं, तो ये जो शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था